आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है, मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली, क्या भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी। आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा, इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मगन था। उसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। उसी पर्वत के समीप जहाँ पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान तीन जीवों पर चला जाता है, जिनमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने दे दिए ब्रह्मदेव को। ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्मदेव से कम करा ली। वह तीनों ही बड़ा प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। वह तीनों को देखकर वह हंस वहां से उड़ता है। वहीं पास में ही कैलाश पर भगवान शिव विराजमान थे, तो वह हंस भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और भगवान शिव से कहता है कि हे भगवान, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। हंस की बात जब भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, क्या देखा तुमने। हंस कहता है कि हे भगवान, मैंने देखा कि तीन जानवर, तीन जीव इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर, और तीनों बड़ा ही प्रसन्न हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम करा ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु के वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है भगवान? भगवान शिव कहते हैं कि हंस, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग आयु प्रदान की है। एक समय की बात है कि यह तीन प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, ये तीनों मिलकर के भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वह कहते हैं, कहो वत्स, क्या बात है। तो वह तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी आयु बताएं, आपने हमें कितनी आयु दी है, आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा कि हे भगवान, आप मेरा आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो, हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है। जाओ तुम आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधे ने सुना तो गधा कहता है कि हे भगवान, आपने ये क्या कर दी, हमारी आयु 40 वर्ष कर दी, मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है, आप कृपया करके मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दें। ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं कि देखो गधा, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारा आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहता है कि हे भगवान, यह आयु मुझे दे दो, मेरी आयु तो मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूंगा, इसीलिए हे प्रभु, यह आयु मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंसले कहते हैं कि हंस, जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुना तो कहते हैं तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूँ। मनुष्य के मूल आयु 40 साल थी जो कि भगवान ब्रह्मा ने दी थी, और 20 साल गधे ने दे दी, मिलकर के 60 साल हो गया। और गधा भी बड़ा खुश हुआ क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझा ढोना है, तो मुझे भी कम ढोना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम करा ली तो कुत्ता कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता, 40 साल तक जीकर मैं कितना कष्ट भोगूंगा, मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए, मैं इतना लंबा साल नहीं जीना चाहता। हे प्रभु, यदि मैं इतना लंबा साल जीऊंगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी, इधर उधर मार खाता फिरूंगा, इसीलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, इन्हीं जीवों में से
किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा, यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते की 20 साल मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़कर के 80 वर्ष हो जाती है। ये सब देखकर उल्लू को रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता? उल्लू कहता है, हे ब्रह्मदेव, मुझे भी आपसे शिकायत है, इतनी लंबी आयु मैं भी जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है, मैं तो केवल रात को ही देखता हूँ, तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूँगा। हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठ कर देखता रहता हूँ, तो फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूँगा। आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर तुम्हारा आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारा आयु कम करके उसे दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी सिर्फ 80 साल हुआ है, और 80 साल में मैं कौन कौन कार्य करूंगा, इसीलिए ये 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है वत्स, उल्लू का 20 वर्ष भी मैं तुम्हें देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीव से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं, और तुम उन्हीं जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा, तो क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी? भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हंस कहता है, कैसे? भगवान शिव कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु में जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, यह 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना हो, इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। शौक, मौज और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगी, और जो 40 तक की आयु में मनुष्य की आयु में आराम किया था, अपनी जिंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा, उस आयु पर। उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसके परिवार बढ़ जाएंगे, और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी, और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे बूढ़ा हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है, और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएंगे। जैसे कि गधा बोझा ढोता है, वैसे ही मनुष्य को ढोना पड़ेगा। कभी नाती आ रहा है, कभी पोता आ रहा है, कभी कोई गोदी में बैठा है तो कभी कोई गोदी में बैठा है, कभी किसी काम को कर रहा है तो कभी किसी कार्य को कर रहा है। इस तरीके से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो वह भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते के जीवन कैसे जिएगा? भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम पड़ जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है, और उसका परिवार बढ़ जाता है, उसकी बहू आ जाती है, उसके नाती पोते हो जाते हैं, फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता, जैसे कुत्ता लड़ते रहता है, कुत्ता भौंकते रहता है, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ते रहता है और अपने में भौंकते रहता है, और उसकी कोई मानता भी नहीं है। आप देख सकते हैं, आपके आसपास में ऐसा होता होगा कि आजकल बड़े बूढ़ों को कौन मानता है? कोई नहीं मानता, बहुत कम 10% ही लोग ऐसे होंगे जो बड़े बूढ़ों के बात मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद
पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं कि यह तो ऐसे ही बकबक करते रहता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते भोगते रहते हैं वैसे ही मनुष्य 60 से 80 के बीच भोगते रहते हैं। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, आप मुझे ये भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं, हंस ये भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरा बल समाप्त हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कानों से सुनना भी बंद हो जाता है, उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है, किसी को देखता है और ना किसी को सुनता है, और अगर किसी को देखता भी है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वह साफ नहीं देख पाता। जैसे कि उल्लू बैठा रहता है उसी तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना उससे कोई कुछ बोलता है और ना कुछ सुनाता है, बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिव कहते हैं, हंस इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेते हैं और उसकी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हंस यही कारण था कि वह तीनों उल्लू, गधा और कुत्ता तीनों प्रसन्न थे। आयु कितने ही वर्ष के क्यों ना हो, लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वो आरामदायक और सम्मानजनक हो, वही आयु 100 वर्ष की आयु के वजह अच्छी मानी जाती है। कि हंस यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की, आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। इस कहानी को सुनने के बाद आप तो जान ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य इन चारों याऊ को जीता है। मनुष्य 40 वर्ष स्वयं की जीता है, 40 से 60 गधे की जीता है और 60 से 80 कुत्ते का जीता है और 80 से 100 उल्लू का जीता है, जिसे कोई कोई मनुष्य ही जी पाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।